जो ड्रोन की कंपनी है वो आई, उसने कहा कि हम कर देंगे, 2 करोड़ रुपये उन्होंने उसका चार्ज किया और हम देने को तैयार नहीं थे। इतने में एक IIT का स्टार्टअप, IIT दिल्ली में एक स्टार्टअप है, वो हमारे पास आया, बॉटलैब करके स्टार्टअप है, वो हमारे पास आया, बोला कि सर हम लोग भी ड्रोन उड़ा रहे हैं और हम आपका ये काम कर देंगे। तुमने कितने ड्रोन उड़ा रहे हो? बोले अभी हम करीब 80 ड्रोन तक का स्वॉर्म बना लेते हैं। मैंने कहा हमें तो 1000 ड्रोन वाला स्वॉर्म चाहिए जो पूरे आकाश में छा जाए। तो नहीं सर, हम लोग कर लेंगे। ये बात है करीब सितंबर की। तो हमने कहा अच्छा चलिए, हमने उनको बढ़ावा दिया। तो फिर वो बोले कि साहब हमारे पास तो लेकिन पैसे नहीं है 1000 ड्रोन बनाने का। 1000 ड्रोन बनाने के लिए उसका हार्डवेयर जो होता है उसको बनाने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो उसको फिर आप हमें उतना हमें ग्रांट दिला दीजिए, उसके बाद हमारा ड्रोन शो शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी से पता नहीं बहुत लोग जुड़े हैं कि नहीं, एक बात कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का एक बेसिक रूट होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियरली नहीं बढ़ती, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अगर आप जो है 10 पे हैं, 10 चीज़ों को एक साथ काम कर रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर 20 कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी 10 गुना हो जाएगी, दुगनी नहीं होगी। तो 80 से 1000 की जर्नी आसान नहीं थी और इनके पास पैसे भी नहीं थे। खैर मैंने साइंस DSC सेक्रेटरी से उसमें आशुतोष शर्मा उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है मैं हम 2 करोड़ अपने यहाँ से ग्रांट दे देंगे। तो उनसे बात की, उन्होंने प्रॉमिस किया, मैंने कहा ठीक है आपको 2 करोड़ की ग्रांट मिल जाएगी, आप लोग काम शुरू करिए, 26 जनवरी को आपका ड्रोन शो होना है। अब तो जो है लेकिन सरकार में अक्सर होता है कि पेपर बात तो हो जाती है कि पैसा आएगा कि पैसा आता नहीं है समय पे, और हमारा तो टाइम बाउंड प्रोग्राम था तो इंश्योरेंस तो हो गया DSC से पैसा आएगा लेकिन पैसा नहीं आया, और इनके पास पैसा नहीं, ड्रोन्स भी नहीं है, और 1000 ड्रोन्स 26 जनवरी को दिखाने हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सभी लोग, देश के सभी सीनियर मोस्ट लोग रहेंगे। तो इन्होंने कहा आपस में पैसा जुटाने की कोशिश की, कुल मिला के इनके पास 4-5 लाख रुपए हो गए, 2 करोड़ की बात है। उसी समय अकस्मात उनमें से किसी एक को के यहाँ कोई डेथ की वजह से उनको इनहेरिटेंस मिला 45 लाख का। तो 45 लाख और 5 लाख जो उन्होंने आपस में जुटाए थे मिला के उनके 50 लाख रुपए हो गए। अब उन्होंने कहा कि हम चलिए अपना पैसा लगा के ड्रोन बनाते हैं। ड्रोन बनाने के लिए जब उन्होंने चिप्स की मांग की ताइवान से मंगाने थे, तो जब पिछले 1-1.5 साल से चिप की ग्लोबल शॉर्टेज है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है ग्लोबल, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स की आजकल, इसलिए थोड़ा डिले से और महंगी भी हो गई है। तो इनकी जो पुरानी कंपनी से ड्रोन 80 ड्रोन के लिए जो माल खरीदा था, वो कंपनी बोली मेरे पास 1-1.5 साल का टाइम लैग है, सप्लाई का है, अभी तो मैं इसमें शॉर्ट टाइम में दे नहीं सकता। तो इन्होंने दूसरे और ढूंढने शुरू किए, अंत में एक छोटी सी कंपनी में मिली जो वो चिप्स उनको दे सकती थी जो उनके ड्रोन पे लगते थे। तो इस अनजान कंपनी को अपनी पूरी जो उनकी पूंजी थी 50 लाख की वो उन्होंने वहां पे दे दी। ये काम हुआ करीब सितंबर अक्टूबर हो गया तब तक, और उसके बाद वहां से चिप आए थे। तो एक बार तो लगा कि ये सारा का सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। क्या जब चीजें ठीक होती है तो सब ठीक एक साथ हो जाती है। फाइनली DSC का पैसा भी सैंक्शन हो गया है। नवंबर एंड में चिप आने शुरू हुए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए हमारे देश की क्षमता क्या है, और उसके साथ मैं बंद भी कर लूँ मेरे